Hello everyone, this is Sahil Khan and you are watching Brutal Hits. So today we are going to talk about top 3 mistakes made by teenagers in the gym. Let's get start the video. So जो सबसे first mistake होती है वो होती है not understanding the postural importance. अब posture होता है क्या, जब भी हम कोई भी workout कोई भी exercise को लगाते हैं तो एक right way होता है जिस way से उस workout को करना होता है, तो वो ये होता है posture, हमारी body का posture, हम किस तरीके से खड़े रहेंगे, कितना हम stance लेंगे, वो सब वगैरह वगैरह. सो अब क्या करते हैं ना, जो teenager होते हैं ना, ये एक ऐसा time होता है जब हमें सबसे ज़्यादा जोश होता है और सबसे ज़्यादा लोगों को impress करने की चुल होती है. तो इस सम टाइम पे क्या करते हैं ना कि हम पोस्चर को, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स क्या करते हैं, पोस्चर को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे. वो क्या करेंगे पता है, वेट लिफ्ट करने पर फोकस करेंगे, वेट को इंक्रीज करने पर फोकस करेंगे. उसमें क्या होगा, आपका इंजरी का चांस ज़्यादा हो सकता है. आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे पोस्चर को तो आपका इंजरी का चांस ज़्यादा हो सकता है. तो मैं जो सबसे बेस्ट एडवाइस आपको दूंगा वो ये दूंगा कि आप सबसे पहले पोस्चर को अंडरस्टैंड करें. पहले आप समझें कि पोस्चर क्या है, पोस्चर किस तरीके से हिट होगा. जब आप पोस्चर को सही तरीके से लगाना सीख जाए देन आप अपना वेट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं. तो पोस्चर की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप पोस्चर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो आपको इंजरी हो सकती है, और फिर शायद ये भी हो, शायद ये भी हो कि आप उसके बाद कभी वर्कआउट करें ही ना. सेकेंड जो मेरा पॉइंट है वो है गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू एप्स. अब आप इस चीज़ को समझें कि जो हमारी बॉडी है ना वो वेट ट्रेनिंग से सबसे अच्छा तब रिएक्ट करती है जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिगनर होते हैं, और उस पे सोने पे सुहागा जब हम टीनेजर होते हैं. बिकॉज टीनेज उम्र में हमारा जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है ना वो बहुत ज़्यादा पीक पर होता है. अब टेस्टोस्टेरोन होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, वही हमारी बॉडी को ग्रो करवाता है, वो एक मेन फैक्टर होता है, मसल्स भी उसी की वजह से ग्रो होती है. ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि जब हमारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा पीक पर है हम क्या कर रहे हैं, हम एब्स पर फोकस कर रहे हैं. अब इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि एब्स जो होते हैं ना वो सभी के होते हैं, सभी के पास एब्स होते हैं, बट क्या होता है ना उनके ऊपर फैट की लेयर होती है जिस वजह से एब्स जो होते हैं ना लोगों के नहीं दिखते हैं. तो जैसे आप 3-4 मंथ्स अच्छा न्यूट्रिशन दोगे अपनी बॉडी को तो फैट की लेयर कम होगी जैसे ही, तो क्या होगा पता है, आपके एब्स आ जाएंगे. बट मसल ग्रो करना इज़ हार्ड थिंग. एक चावल के तिन, चावल होता है ना उस बिल्कुल उस किनकी की तरह हमारा जो मसल है वो ग्रो होता है. तो आपको पहला फोकस अपने मसल्स को देना है, हाइपरट्रॉफी प्लस स्ट्रेंथ. तो आपको इस पर अपना सबसे पहला फोकस करना है. और जहाँ तक बात है एब्स की, तो आप हफ्ते में 2 बार उसे ट्रेन करो, दैट इज़ इनफ. इससे ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो एब्स पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप अपनी ओवरऑल बॉडी पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, और आपकी बिगनर लेवल पर ऑप्टिमल जो आपका मसल ग्रोथ है ना वो होगी. सो जो थर्ड मिस्टेक आती है वो होती है नॉट वर्कआउट कंसिस्टेंटली एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ्स विथ अदर्स. अब इस चीज़ को आप समझो कि जब आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट नहीं कर रहे हो, जब आप कंसिस्टेंटली न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, प्लस आप स्लीप अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हो, रेस्ट एंड रिकवरी हो नहीं रही है, तो आपकी जो बॉडी है ना वो कभी भी बन नहीं सकती. तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो टीनेजर्स करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं. कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी, और आप जो बिगनर का जो एनाबोलिक रिजल्ट मिलता है ना वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. दूसरी चीज़, अपने आप को कंपेयर करना दूसरों के साथ. आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपना चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर नहीं कर सकते. कोई लंबे टाइम से ट्रेन कर रहा है, आपने उसे देखा, आपको उसकी फिजिक अच्छी लगी, तो वो जैसा वेट ले रहा है वो ट्राई करो वेट लेने का, वो जैसी ट्रेनिंग कर रहा है वैसा आप ट्रेन करना चाह रहे हो. क्यों, उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को बेटर करने आए हो, ना कि किसी और को देख के उसके जैसा बनने आए हो. उन्होंने जो आप जिसको देख रहे हो, जिससे इंस्पायर हो रहे हो, उसने शायद आपसे काफ़ी साल पहले जिम ज्वाइन करा हो, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हो. तो इंस्टीड ऑफ कोपिंग देम, आप अपने आप पर फोकस करो, अपने आप में नॉलेज गेन करो. सो ये थी टॉप 3 मिस्टेक्स जो टीनेजर्स अक्सर करते हैं जिम के अंदर. आई होप कि अगर आप टीनेजर हो तो ये चीज़ देखकर इन गलतियों को छोड़ दोगे, अगली बार ये गलतियाँ नहीं करोगे. अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते हो तो आप ना तो रिग्रेट करोगे और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को ग्रो कर पाओगे.